गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये हमारा होटल था जहाँ हम रात को रुके थे, और इस समय है हम वैष्णो देवी में कटरा, और यहाँ से हमारी यात्रा जो है वो शुरू होती है। ये हम होटल से बाहर निकलते हुए और चेकआउट वगैरह कर लिया, हम आगे थे रात को नियर अबाउट 4 बजे के आसपास। ये गाड़ी लगी है हमारी सामने और ये भाई लोग अब जाने की तैयारी में है यहाँ से, और बस अब थोड़ी ही देर में यहाँ से निकलते हैं, और बस निकलने के बाद आपको आगे के दर्शन कराते हैं। गाड़ी को पहले अच्छे से पार्क कर लिया जाए एक बार। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
in the sky, gazing far into the night. I raise my hands. फाइनली इतनी देर चलने के बाद हम आ गए अर्धकुंवारी। यहाँ से ये बैटरी कार हैं जो कि आगे भवन तक लेके जाती हैं, जिनका फेयर 350 रुपये है सिंगल साइड का। तो बहुत ज़्यादा हम थक चुके थे, तो हमने यहाँ से फिर बैटरी कार की, यानी कि 3 लोग ही बैटरी कार में गए, बाकी के 2 पैदल आए। तो वो हम आपको आगे दिखाते हैं। इतना सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम माता के भवन में आ गए और जय माता दी। सुबह 8 बजे के चले थे और यहाँ पे आते आते टाइम हो चुके हैं 3 बज गए हैं और बस पहुँच गए। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। आपको दिखाते हैं भवन, थोड़ी देर बाद और ठंड बढ़ेगी फिर आपको बताते हैं। बाकी की जो भी जर्नी थी वो मैंने पहले दिखा दी आपको। आपको दिखा रहे हैं भवन, बस अब कुछ ही देरी में चलते हैं भैरव बाबा के और उसके बाद बाकी की चीज़ आपको फुल डिटेल में दिखाते हैं। अब खुद देख सकते हो कि कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, और इस क्राउड के कारण ही जो मेरी आवाज़ की क्लैरिटी है वो थोड़ी डाउन होगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा रश है, पूरा फुल है इस टाइम पे। तब रोहित भैया इधर देखिए, ठंड ठंड का क्या कहना है, बहुत बुरा।
और आपका क्या कहना ठंड में? बहुत ज़्यादा हमें देखो, हम तो भाई रुक ही नहीं रहे हैं। एक ये भाई है, ये भी नहीं रुक रहा है 1% भी। सांसें हमारी बता रही कि हम कितना नहीं रुक रहे हैं। ओए होए होए, रोहित भैया कोई आपका संदेशा जो आपके घर वालों को देना हो? घर वालों को छोड़, तू दे यार, 1000 देगा तो भी ले जाऊंगा भाग के। आजो भाजी, आजो आजो आजो, वेलकम वेलकम। हैं, अरे घोड़े वाले इंसान ले जा रहे, गधे थोड़ी ले जाएंगे। आजा यहाँ से, पूरा भवन दिख रहा है, देख रहे हैं ना, पूरा फुल, इतनी हाइट पे आ गए। देखा ऐसे लग रहा है, देख जुगमुग 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 जुगमुग। दिने व्यू बहुत बढ़िया है, दिने बहुत ऑसम। ये देखो जिन्ना भी है ना, ये तो इधर दी लाइटिंग दिख रही है, उधर दी लाइटिंग देखो, एक मिनट आ चीजा देखो, ये है ये ना चीजा। ओए होए ओए, इससे लाइटा वाले जूते। ओए ये हम आ गए भैरव मंदिर। अरे बहुत बढ़िया फोटो आई है अंकल जी। लिटरली गाइस, इतनी ठंड है ना यहाँ पे कि अब ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने की हिम्मत से नहीं हुई। और ये आप हैं रोहित, इधर ही हो, ये देख रहे हो आप, ये कैसे बंदर बना बड़ा हुआ है। अरे इधर तो आ राक्षस कहीं का, पकौड़े ठूस लियो बाद में। ये देखो बता कितनी ठंड है, बहुत ठंडे हो गए, -2 degrees टेम्परेचर। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी अभी भैरव से नीचे आए तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। और ये जस्ट देख रहे हैं आप, ये भवन है, यहाँ से शीशे में क्लियर नहीं दिख रहा होगा। और उसके बाद बताऊँ, ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड थी तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत ही शूट किए हैं, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और सेकंड थिंग ये कि यहाँ सर्दियों में बच्चों को लेके आना मोस्टली अवॉइड करें आप, और वैसे ठंड है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर। सेकेंड थिंग, अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हो तो उसका फेयर नियर अबाउट 1800 का है, अगर आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट से करते हो। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली या प्राइवेट किसी से करते हो तो नियर अबाउट 2200 या 2400 के नियर अबाउट पड़ेगी आपको, वैसे 1800 इसका फेयर है। और उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ेगा। और यहाँ आने के बाद अगर आप बहुत टाइम से नहीं आए हो तो यहाँ से मान लीजिए कि आपको यहाँ से भैरव बाबा जाने के लिए जो रोप है वो स्टार्ट हो चुकी है, नियर अबाउट 4 साल हो चुका है, मैं खुद 5 साल बाद आया था, तो उसकी भी सुविधाएँ होगी। इनकेस बंदा यहाँ तक थक जाता है तो उन्हें ऊपर जाने के लिए सुविधा है। उसकी टाइमिंग मॉर्निंग 8 से इवनिंग 4 बजे तक की है, सो आप इस हिसाब से प्लान करें कि आप 4 बजे तक अपनी टिकट ले लें, अदरवाइज़ आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। कटड़ा जम्मू